देने वाली आदत है। तो ये जो जजमेंट आई है ना, मैं मानती हूँ ये बहुत अच्छी जजमेंट आई है। हमारा समाज जो टाइम से सोया पड़ा था ना, शायद थोड़ा सा जाग गया है, पर अभी और जागेगा धीरे 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 धीरे। अभी आग लगी नहीं है, आग लगेगी, क्योंकि आपको याद हो 498A में जो पहले FIR लॉज होती थी कोई कोई, क्योंकि उसमें डायरेक्ट अरेस्ट के ऑर्डर थे। जो अमेंडमेंट हुआ, अब वो अरेस्ट खत्म हुआ कि परमिशन लेने के बाद अरेस्ट होगा। अब तो ये हो गया है कि लड़का ही होगा, उसकी भी परमिशन मांगी जाएगी, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज आ गई हैं। तो आपने देखा होगा कि 498A की FIRs लॉट ऑफ हो गई हैं और कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी हो गए हैं। तो इसमें भी डेफिनेटली अब यही होने वाला है, FIR नंबर ऑफ आएंगी और वो केसेस इतने हो जाएंगे कि जुडिशरी के खुद सर में दर्द हो जाएगा कि क्या पास कर दिया कि इतनी आफत आ गई। तो इसमें ही आग देखो, आग किसी के दिन आज हमारे लिए लगाई है ना, वो आग उसे खुद झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आग सिर्फ हम तक नहीं, अब उनके घर तक भी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से अभी हम परेशान हैं कि हमारा एक राइट जो है खत्म कर दिया गया, उस राइट के लिए हम इतना लड़ेंगे और इतने केसेस आएंगे कि अब हर घर में, जैसे 498A हर घर में मिलता है तकरीबन, और दूसरे तीसरे घर में तो मिलता ही मिलता है, और सभी उसमें इन्वॉल्व है, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। तो अब ये ऐसी पे भी जो कार्रवाई होने वाली है, उसमें हर तीसरा बंदा अभी इन्वॉल्व होने वाला है, वो जर्नल भी होगा और वो SC ST भी होगा। तो इतना परेशान होने की भी बात नहीं है जितना हम हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी वाली बात है कि हम जाग चुके हैं और हमें जागना भी चाहिए था। शायद ये धक्का, कहते हैं ना एक शौक लगना बहुत जरूरी होता है, तो ये एक शौक है जो हमें जगाया है, और इस तरह से अगर हम जगे रहेंगे तो डेफिनेटली अब हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे और अच्छे से लड़ पाएंगे। बाकी जो लीगलिटी में होगा, वो जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे, उसमें सब साथ हैं, हम भी साथ हैं और आप भी साथ। थैंक यू।